दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। एक बार फिर से स्वागत है सभी का दोस्तों, और आपको नेक्स्ट पेपर के लिए लेके आ गया हूँ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। और पेपर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टफुल सब्जेक्ट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो बेटर आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप इसकी तैयारी करिए। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी होती है आपका लगभग 50% सिलेबस अगेन वही रिपीट किया जाता है, तो लगभग क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप तैयारी अच्छे से करना और पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। और यूनिवर्सिटी का भी नोटिस आ गया न्यू पेपर का, तो उसकी वीडियो जल्दी से बना लूंगा कि आप अपना डेट शीट कैसे डाउनलोड करें, कैसे देख सकते हैं। अभी बात करते हैं पेपर के बारे में। आप देख रहे हैं जनरल रेडियोलॉजी पोजिशनिंग थ्योरी, जो पेपर है हमारा, इस पेपर का नाम है जनरल रेडियोलॉजी पोजिशनिंग थ्योरी। यहाँ पे रेडियोलॉजी की पोजिशनिंग कैसे होती है उसके बारे में, और थर्ड सेम, ये आपको पता है थर्ड सेम का ये पेपर था, रोल नंबर मेंशन वगैरह सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। सारे पेपर में 60 मार्क्स का होता है। तो चलिए सीधे आता हूँ डायरेक्टली क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चंस के बारे में हम बताएंगे आपको कि जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे 3 टाइप्स के दिए हुए होते हैं, फर्स्ट सेकंड यानी कि ए बी सी, 3 सेक्शन में, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर। तो सबसे पहले राइट ब्लिपली वाले पे ध्यान देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हो सबसे पहला क्वेश्चन बना हुआ है, विच एक्सरे प्रोजेक्शन विल बी प्रेफर्ड फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोफेशन ऑफ ऑन एब्डोमिन। यानी कि यहाँ पे देख रहे हो विच एक्सरे प्रोजेक्शन, कौन सा एक्सरे प्रोजेक्शन करते हैं यहाँ पे, कैसा किसे किस लिए करते हैं, प्रेफर्ड फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोफेशन एब्डोमिन, जो एब्डोमिन होता है पेट के लिए, उसके प्रोफेक्शन को देखने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, तो व्हाट आर हाई केबीपी टेक्निक, हाई केबीपी टेक्निक पे क्या किया जाता है इसके बारे में यहाँ पे बताना था, क्या यूजिंग है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, जब हमने स्टडी किया तो सबसे आसान सब्जेक्ट दोस्तों यही लगा था पोजिशनिंग थ्योरी का। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ पढ़ने की, क्योंकि हमारी सेमेस्टर एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, तो क्वेश्चन के टिप्स यहाँ आपको मैं बता दे रहा हूँ। डिस्क्राइब पोजिशनिंग ऑफ पेशेंट इन लेटरल सर्वाइकल स्पाइन एक्सरे प्रोजेक्शन, यहाँ पे दिया डिस्क्राइब पोजिशन ऑफ पेशेंट लेटरल सर्वाइकल, जो हमें सर्वाइकल का लेटरल पोजिशन करना है स्पाइन एक्सरे प्रोजेक्शन में, तो किस तरीके से करेंगे यहाँ पे, इसके बारे में यहाँ पे कर देना था। व्हाट इज पेडियाट्रिक रेडियोग्राफी, पेडियाट्रिक रेडियोग्राफी दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 नंबर की, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है पेडियाट्रिक रेडियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ एंकल जॉइंट, मतलब डोर्सिफ्लेक्शन एंकल जॉइंट के मतलब क्या है, इसके बारे में बता देना था। नेक्स्ट था डिस्क्राइब पोजिशनिंग ऑफ पेशेंट इन लेटरल स्कल एक्सरे प्रोजेक्शन, यानी कि यहाँ पे बताना था डिस्क्राइब प्रोजेक्शन ऑफ पेशेंट लेटरल स्कल, यानी स्कल का जब हम लेटरल इमेज लेते हैं तो स्कल पोजिशनिंग, उसके बारे में बता देना था। नेक्स्ट था राइट टू इंडिकेट ऑफ पी ए चेस्ट एक्सरे प्रोजेक्शन, यानी कि 2 इंडिकेशंस बताना था, पी ए हम कब करते हैं, पी ए हम लगभग नॉर्मली हर जगह करते हैं, और साथ में कोई चेस्ट डिजीज होगी, लंग्स डिजीज होगी, इसको देखने के लिए 2 इंडिकेशन यहाँ पे देखिए, और भी दिया राइट टू इंडिकेशन ऑफ पी ए हैंड एक्सरे प्रोजेक्शन, यानी कि हैंड का जब हम पीए करते हैं, एपी तो हम करते ही हैं, साथ में हम पीए भी करते हैं, तो ये क्यों करते हैं इसके बारे में बता देना था 2 पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बना है, व्हाट आर एक्सपोजर फैक्टर, एक्सपोजर टेक्निक यूज्ड फॉर नेजल बोन सुपर इन्फीरियर एक्सियल एक्सरे प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे पूछा व्हाट आर एक्सपोजर, क्या है यहाँ पे एक्सपोजर फैक्टर्स क्या होते हैं, यूज फॉर नेजल बोन, यानी कि जो नाक की हड्डी होती है वहां पे नेजल बोन होती है नाक के पास, तो उसके बारे में बताना था, सुपर इन्फीरियर एक्सियल एक्सरे प्रोजेक्शन, इसके बारे में भी बताना था साथ के साथ। लास्ट क्वेश्चन था 2 नंबर में, एक्सप्लेन इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी, इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी क्या होता है कि माउथ के अंदर ही फिल्म को रखा जाता है, कैसेट को, और वहां पे इमेज कैप्चर करी जाती है, ये होता है डेंटल में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी के बारे में, सेक्शन बी में क्या आ गया, चलिए फटाफट दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये चीज आपको पता है। क्वेश्चन था डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड कैसेट इन पीए, यानी कि जो होता है डिस्क्राइब करना था पोजीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट का पोजीशन और कैसेट के बारे में, पीए में कैसेट कैसे लगाते हैं, एंड लेटरल थोरासिक स्पाइन, लेटरल व्यू में जो थोरासिक स्पाइन होता है उसका प्रोजेक्शन भी यहाँ पे डिफाइन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड कैसेट इन एपी, यानी कि पोजीशन जो, फिर सेम क्वेश्चन ऐसे ही बन रहा है कुछ कि आपको पोजीशन पेशेंट का, कैसेट का बारे में बताना था। लेटरल लेरिंग्स एंड एक्सरे प्रोजेक्शन, यानी कि लेटरल लेरिंग्स ये होता है यहाँ गले पे, तो लेरिंग्स के बारे में आप एक्सरे प्रोजेक्शन में बता देना था। डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड कैसेट इन ओकीपिटो फ्रंटल, यानी कि ओकीपिटो ओसीपिटो फ्रंटल, यहाँ पे पीछे में साइड में ओसीपिटो होती है, वहाँ उसके फ्रंटल के साइड में बताना था। एपी स्कल का बताना था एक्सरे प्रोजेक्शन साथ के साथ दोस्तों।
तो ये जो पेपर सिंपल था उस टाइम पढ़ते वक्त बहुत ही ज्यादा सिंपल लगता है आपको, ऐसे देखने में लग रहा होगा बहुत टफ, लेकिन आप स्टडी करोगे दोस्तों तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत नॉर्मल है। यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज माइक्रो रेडियोग्राफी, तो ये चीज ध्यान देना माइक्रो एंड माइक्रो दो तरीका का होता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के रेडी करना, आपको बहुत अच्छे से नंबर मिलेगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है बी सेक्शन का, डिस्क्राइब पोजिशन ऑफ पेशेंट एंड कैसेंट इन ट्वेंट एंड टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट, यहाँ पे टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट के बारे में बताना था, साथ में इसका एक्सरे प्रोजेक्शंस भी बताना था, सारा कुछ डिस्क्राइब करना था 5 नंबर में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा था इसलिए हमने दूसरा क्वेश्चन किया था, यानी कि यहाँ से 4 किए हुए थे, आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, पढ़ो तो क्या चीज़ नहीं हो जाता है आपको पता ही होगा। लास्ट सेक्शन सी यहाँ पे बचा हुआ, चलिए सेक्शन सी हम आपको बता देते हैं दोस्तों सेक्शन सी के बारे में। तो यहाँ पे सेक्शन सी जो दिया हुआ है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट बेसिक एक्सरे प्रोजेक्शन, यानी कि बेसिक एक्सरे प्रोजेक्शन को एक्सप्लेन करना है, एब्डोमिन विद पोजीशन ऑफ पेशेंट और एब्डोमिन के बारे में बताना है, एब्डोमिन का एक्सरे प्रोजेक्शन बताना है पोजीशन के साथ पेशेंट को लेके, कैसेट एंड सेंट्रल ले, जो कैसेट होती है उसके बारे में बताना था, उसकी सेंट्रल ले कैसे निकलती है, ये सारा कुछ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट बेसिक एक्सरे प्रोजेक्शन, की बेसिक एक्सरे प्रोजेक्शन क्या होता है, लंबर स्पाइन विद पोजीशन पेशेंट, यानी लंबर स्पाइन के लिए जो पोजीशन होती है पेशेंट के, उसका बेसिक एक्सरे करना था, कैसेट एंड सेंट्रल रे भी इसमें भी डिफाइन करना था, और कैसेट एंड सेंट्रल रे में आपको सारा कुछ बताना होता है कि रेस कैसी आती है और कैसेट का पोजीशन क्या होगा, कहाँ रखा जाएगा, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करना होता है। और लास्ट क्वेश्चन बना था दोस्तों व्हाट इज डेंटल रेडियोग्राफी, डेंटल रेडियोग्राफी में कई टाइप्स क्या जाते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे बताना था, एक्सप्लेन बिटवीन एंड ओपीजी, देखिए यहाँ पे टाइप्स का नाम भी दे दिया गया है, इसको डिफाइन सिर्फ करना था, एक्सप्लेन ऑर्थोपेरोग्राम पेटोग्राम यहाँ पे देख सकते हो रेडियोग्राफी, तो बहुत ही सिंपल पेपर था, आप देख सकते हो यहाँ से टेक्निक ले सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल के लिए आप कमेंट कर सकते हो मुझे, हमेशा इंस्टाग्राम का लिंक हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, वहां से जाके आप मुझे कमेंट करके कोई भी पेपर हो उसका पिक्स ले सकते हो दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नए वीडियो के साथ।